गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। माई सेल्फ रवीना डागर। टूडेज वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक। का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन और उसके टू पार्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के जो बाकी के थ्री पार्ट्स हैं उनको। फर्स्ट है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन हमने बोला था डिस्क्राइबिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ओनली सिर्फ नेमिंग वर्ड्स आते हैं। उसके बाद हमने किया था नाउन के पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें आया था कॉमन और प्रॉपर। प्रॉपर नाउन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे मेरा नाम क्या है, रवीना, तो आपका नाम क्या हो सकता है, किसी का अंकित हो सकता है, राहुल हो सकता है, अमित हो सकता है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे की पहचान है। नेक्स्ट हमने किया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जो सभी के लिए, एक ग्रुप के लिए यूज़ होती है, जैसे बॉय, कोई भी लड़का हो, राज, राहुल, ये अलग है, ये उनका नाम है, पर्टिकुलर पहचान है, लेकिन हम उनको कॉमनली क्या बोलेंगे, बॉय, कि वो क्या है, लड़का है। ऐसे ही गर्ल ले लो, गर्ल में कोई भी नाम हो, जैसे रवीना, रेणुका, राखी, कोई भी नाम हो, लेकिन हम उनको कॉमन नाउन में क्या बोलेंगे, गर्ल। क्लियर है? ऐसे ही बर्ड, अलग अलग बर्ड्स होते हैं, लेकिन कॉमनली हम बर्ड्स को क्या बोलेंगे, बर्ड, पक्षी। अलग अलग फ्लावर होते हैं, लेकिन कॉमनली उनका नाम क्या है, जैसे सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये अलग अलग नेम है। अलग अलग नेम हो गया तो प्रॉपर नाउन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज, लोटस, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम कॉमनली सभी को एक उसमें बोल दें तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है? और पर्टिकुलरली एक एक को, जैसे मैरीगोल्ड, रोज, लोटस, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, उनके पर्टिकुलर नेम है। आज हम वही से, हम अपना थर्ड क्या था, थर्ड टाइप था हमारा नाउन का, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब थर्ड टाइप क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, किसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन कंसीडर एज वन ग्रुप। आई रिपीट, अ कलेक्टिव नाउन given to a collection of common noun consider as one group। Now collective noun, अब थोड़ा समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन किसको बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। अब देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन उस नाउन को बोला जाता है जो कॉमन नाउन का, जो हमारे पास ग्रुप अवेलेबल होता है उसके कंसीडर में जो वन ग्रुप बनता है उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि जो सिपाही है होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोल्डर्स बोलते हैं। तो सोल्डर्स का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, आर्मी बनाता है। तो सोल्डर तो हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जो आर्मी होगा वो क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ सोल्डर्स, ये जो आर्मी है ये क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन,
और किस ग्रुप से, कॉमन नाउन के ग्रुप से बनी है, तो सोल्डर क्या होगा, कॉमन नाउन। क्योंकि सभी सैनिकों को हम सोल्डर ही बोलते हैं, किसी का पर्टिकुलर बीएसएफ ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब उनकी पर्टिकुलर नेम आए तो हम उनको क्या बोलते हैं, सोल्डर, सैनिक। तो सैनिकों से मिलके क्या बनती है, आर्मी। तो सैनिकों के ग्रुप, तो ग्रुप किसका है, सैनिकों का, कॉमन नाउन का ग्रुप हुआ एक, और उससे क्या बना दी, आर्मी। तो आर्मी क्या बन गई, कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप के लिए, सोल्डर के ग्रुप के लिए क्या यूज हुआ, आर्मी। अ ग्रुप ऑफ सोल्डर्स इज कॉल्ड आर्मी। जब भी बात हो कि सोल्डर के समूह को क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टोन्स। स्टोन्स यानी कि पत्थर हो गए। ये पत्थरों का समूह है, तो इस पत्थरों के समूह को क्या बोलेंगे, हिप। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पत्थरों के समूह को हिप बोला है हमने, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। और ये जो स्टोन है, ये क्या है, पत्थर के ग्रुप। तो सभी पत्थरों को अलग अलग हो सकता है, मार्बल, संगमरमर, अलग अलग टाइप के पत्थर हो सकते हैं, लेकिन अभी कॉमन नाउन में हमने इसको क्या बोला है, स्टोन। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया हमारे पास। क्लियर है। ऐसे ही अब कुछ फ्लैश कार्ड शो करती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे फ्लैश कार्ड कलेक्टिव नाउन के, इज इट क्लियर। कलेक्टिव नाउन फर्स्ट इज, हम डिस्कस कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमने फर्स्ट लिया अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का ग्रुप क्या बोलेंगे, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट हमने क्या बोला, हर्ड बोला उसको, एच ई आर डी। नेक्स्ट अगर हम ले अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज के ग्रुप को देखो, अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज हमने क्या बोला, फ्लॉक, एफ एल ओ सी के, फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज वी कॉल फ्लॉक। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जब हमने स्टूडेंट का ग्रुप है, स्टूडेंट क्या है, सभी स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी स्कूल में, हम उनको क्या रिकॉल करेंगे, स्टूडेंट ही रिकॉल करेंगे। तो जो स्टूडेंट का समूह है उसको हमने क्या बोला, क्लास बोला। आई रिपीट अगेन, सी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो कलेक्शन हमारे पास है उसको एक ग्रुप के लिए कंसीडर करना, एक ग्रुप में ज्वाइन कर देना, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने आर्मी का लिया, सेकंड स्टोन का लिया, पत्थरों का लिया। अब थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का झुंड, जो एलिफेंट का ये झुंड है ये क्या कहलाएगा, हर्ड, एच ई आर डी, इज दैट क्लियर, हर्ड। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कलेक्टिव नाउन का ही, अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज, जो स्पैरोज है, सी, ओके, अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज इज कॉल्ड फ्लॉक। क्या बोलेंगे इसको, एफ एल ओ सी के, फ्लॉक। एंड लास्ट हमारा एग्जाम्पल है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट बेटा किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो उनको हम स्टूडेंट ही बोलेंगे, तो किसका कॉमन नाउन का यूज़ है, कॉमन नाउन के लिए यूज़ किया गया है स्टूडेंट। और जब उसके ग्रुप की बात करें, यानी कि उसके पूरे समूह की बात करें, तो वो क्या बन जाएगी, जब स्टूडेंट का ग्रुप हो तो वो बन जाएगी क्लास, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। आर यू क्लियर और नॉट, यस, ओके, नाउ वी स्टार्ट सेकेंड इज,
सेकंड बेटा मटेरियल नाउन, सेकंड इज मटेरियल नाउन, जो उसका फोर्थ पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। अब क्या होता है मटेरियल नाउन? व्हाट इज मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग्स व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। Which is extracted from the earth. From the earth or is used to make other thing or is used to make other things. Is that clear? Okay. Now, अभी मैं थोड़ी देर के लिए collective noun को हटा लेती हूँ, जब हम last में recall करेंगे तब ये काम आएगा। अब देखते हैं collective noun, material noun। A material noun is a things which is extracted from the earth. वो things, वो चीज़ें, अब इसमें things मतलब चीज़ों की बात हुई है, वो चीज़ें जो हमें कहाँ से, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी से, हमारी धरती से प्राप्त होती है, और is used to make other thing, और उनका use हम और चीज़ों को बनाने के लिए भी करते हैं। Is that clear? I repeat, a material noun is a thing, एक ऐसी material noun, ऐसी things होती हैं जो हमें अर्थ से प्राप्त होती हैं और उस चीज़ का हम प्रयोग भी अलग चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें तो पेपर, हमारे पास क्या है? पेपर है। ये हमारे पास एक सिंगल क्या है? पेपर है। अगर पेपर हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से, जो वुड लकड़ी जो भी होती है उन्हीं के थ्रू प्राप्त होता है। तो पेपर से अगर हम कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? बुक, यस या नो? पेपर से अगर हम कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? बुक, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो बुक है ये सिंगल सिंगल किससे? पेपर से ही बनी है। सबसे पहले इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है? पेपर का यूज़ हुआ है। पेपर का यूज़ होते होते ही यानी कि बहुत सारे पेपर मिलके ही क्या बना है? एक बुक का निर्माण किया है, यस या नो? तो पेपर हमें वुड वगैरह से प्राप्त होते हैं, तो पेपर क्या हो जाएगा? इसमें एक थिंग्स हो जाएगी जिससे हमने मेक अदर चीज़, अदर चीज़ क्या बना दी? बुक बना दी। क्लियर है? इसी के साथ अगर हम कोई दूसरी चीज़ ले, दूसरा एग्जाम्पल ले, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हमें प्राप्त होता है चीज़ों से, कोई भी मान लो, कोई भी प्लास्टिक के अवशेष ले लो, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक से हमने क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक का यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं? हम ग्लास भी बना सकते हैं प्लास्टिक के, हम बाल्टी भी बना सकते हैं प्लास्टिक की। क्लियर है? इसके साथ साथ हम बहुत सारे टॉय भी बना सकते हैं।
टॉय भी बना सकते हैं। तो प्लास्टिक्स का और चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ हुआ क्या? हमने ग्लास बना दिया, बाल्टी बना दी, टॉय बना दी, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इनका यूज़ हुआ है। ऐसे ही अगर हम मिट्टी सॉइल की बात करें तो सॉइल से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं। अगर हमारे पास सॉइल है, सॉइल हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ से प्राप्त होती है। तो सॉइल, अगर हमारे पास बहुत सारी सॉइल मृदा अवेलेबल है जगह जगह मिट्टी है, तो सॉइल से हम सबसे पहले क्या बना सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो हम पॉट ही बना सकते हैं। पॉट तैयार कर दिया हमने, क्या तैयार किया? पॉट, घड़ा तैयार कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? देखा, पेपर से हमने यूज़ किया, बुक में यूज़ कर दिया। प्लास्टिक का अगर हमें मिला तो प्लास्टिक हमने टॉयज़ में यूज़ कर दिया। नेक्स्ट सॉइल हमें मिला तो सॉइल का हमने पॉट में यूज़ कर दिया, टॉयज़ में यूज़ कर दिया। क्लियर है? अ मटेरियल नाउज इज़ अ थिंग्स विज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से प्राप्त होती हैं, और उसके साथ साथ उन चीज़ों का जो अर्थ से प्राप्त हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ टेक सम मोर एग्जांपल। मटेरियल नाउन, यस, फर्स्ट हमारा है शुगर कैन। अगर हमने गन्ना लिया, अर्थ से प्राप्त हुआ, फसल वगैरह बोएंगे तभी फसल उर्वरक होगी। शुगर, उससे हमने क्या बना दिया? शुगर, चीनी बना दी। नेक्स्ट मिल्क, अगर हमें मिल्क है, मिल्क मिला तो मिल्क से हमने क्या बना दिया? पनीर बना दिया। यस या नो? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कॉटन, हमारे पास कॉटन है, कॉटन से हमने मैट बना दिया, फ्लो, उसके साथ साथ क्या अलग अलग चीज़ें जैसे हैंडकरचीफ, हैंकी बना दिया। मटेरियल नाउन फर्स्ट इज शुगर केन, शुगर केन का यूज़ किया हमने शुगर बनाने के लिए। क्लियर है? शुगर बनाने के लिए। सेकेंड इज मिल्क, जो दूध है उसका यूज़, यानी कि दूसरी चीज़ क्या बन गई उससे? पनीर बन गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, मिठाई बन जाती है। नेक्स्ट कॉटन, अगर हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है तो हमने मैट बना दिया, हमारी शर्ट, टी शर्ट, सूट जितने भी होते हैं वो कॉटन से ही बनते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल किसके थे? मटेरियल नाउन के। इज दैट क्लियर? मटेरियल नाउन क्या होता बेटा? वो पदार्थ जो जिसका हम इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए या जो हमारे लिए यूज़फुल होता है उस चीज़ में हम कर सकते हैं, उसको ही क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोल देंगे। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं? लकड़ी से हम पेंसिल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लकड़ी से बना सकते हैं। टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें हम किससे बना सकते हैं? लकड़ी से बना सकते हैं। नाउ वी टेक लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ है। फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है, देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज। और आइडियाज, इट इज समथिंग विच वी कैन, इट इज समथिंग
which we can. It is something which we can feel or think about. Feel or think about, but cannot touch it. Feel or think about, but cannot touch it. अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी हो, जिसमें किसका नाम हो, क्वालिटी का नाम हो. क्वालिटी अच्छाई बुराई भी हो सकती है. एक्शन, एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, जैसे कि जिससे किसी काम का करने का, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्शन वर्ड्स हो. स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, स्थिति, मानसिक शारीरिक भावना तक किसी भी अवस्था की बात की जा सकती है. नेक्स्ट फीलिंग, फीलिंग मतलब उनकी इंटरनल क्या फीलिंग्स हैं, क्या ख्वाहिशें हैं, क्या दशाएं हैं, वो चीज़ें, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट आइडियाज़, आइडियाज़ मतलब हमारा सोच विचार, हमारे थॉट्स, उनके बारे में बात करता है. एक सबसे ज़रूरी बात, इट इज़ समथिंग विच वी कैन फील और थिंक. ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, खुद में महसूस कर सकते हैं, खुद में सोच सकते हैं. अगर हम किसी को उदास देखें, चुपचाप देखें, तो हमें फील होगा कि नहीं, वो क्या है, सैड है, उदास है. अगर हम किसी को मुस्कुराते देखें, तो हमारे माइंड में बातें करके, खुद से बातें करके देखें, तो हमारे माइंड में आएगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है. तो हम इनको खुद में फील कर सकते हैं, खुद में सोच सकते हैं, बट कैन नॉट टच इट. हम इनको कभी भी टच नहीं कर सकते, यानी कि छू कर नहीं देख सकते. अब क्या तुम अपनी हवा को छू के देख सकते हो? लेकिन हवा हमें महसूस होती है. इसी के साथ साथ क्या तुम इंसान के दुख को छू के देख सकते हो, जो सैड होता है वो? नहीं, हम दुख को छू के नहीं देख सकते. कुछ लम्हे होते हैं जो हमें सुख दुख रियलाइज़ कराते हैं, लेकिन हम कभी सुख या दुख, खुशी को छू के देख सकते हो? खुशी को हाथ में पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं कर सकते. इसी की तरह अगर एक्शन, प्लेइंग, कोई बंदा खेल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं, उसके एक्शन को समझ सकते हैं, लेकिन क्या खेल को हम पकड़ सकते हैं? नहीं. इसी तरह उसकी क्वालिटी, वो गंदा है, उसने बैड लैंग्वेज यूज़ की, वो स्मोकिंग करता है, वो कुछ भी करता है, उसमें क्या क्वालिटी है? वो बदतमीज़ है. लेकिन जो तुमने क्वालिटी बताई, बदतमीज़, डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि जो बदतमीज़ी, जो क्वालिटी है, क्या तुम उस क्वालिटी को पकड़ के दिखा सकते हो कि हाँ, ये क्वालिटी है, इसमें बदतमीज़ है, तो ये बदतमीज़ है? लेकिन नहीं, हम ये क्वालिटी कभी भी पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते. जैसे कि हमने मटेरियल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इन सारी चीज़ों में हमने प्रॉपरली इन चीज़ों को फील भी किया और टच भी किया. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते. अब देखते हैं इसके क्या क्या एग्जांपल हैं. स्टेट हो गया, स्टेट में बेटा मानसिक शारीरिक अवस्था आती है, एक्शन में आता है, प्लेइंग वगैरह, जितने भी एक्शन वर्ब है, क्रिया वगैरह के चीज़ें. क्वालिटी में आती है, उसकी अच्छाई या बुराई, या गुड थिंग, बैड थिंग्स. आइडियाज़ में आते हैं, उसके सोच विचार, उसके थॉट्स, उसके कुछ भी, जो भी उसके माइंड में चीज़ें चल रही है. फीलिंग्स में आती है, हमारी महसूस करना, कोई भी चीज़ जो इंटरनली हो रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, लाफिंग, ये सब फीलिंग्स में आ जाती है. एक्शंस में भी आ जाती हैं, तो सेम ही है. अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमने देखा हमारे माइंड में आइडिया. सबसे पहले आइडिया आया, जो आइडिया एब्स्ट्रैक्ट में किसका है? थॉट. हमने कोई चीज थिंक की. लेकिन अब आइडिया को क्या हम छू सकते हैं? नहीं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे दिमाग में जो भी आइडिया आएगा, उसको हम छू नहीं सकते. नेक्स्ट आया, अगर सेकंड है, सेकंड चीज हमने देखी कि कोई भी बच्चा है, वो बहुत ज्यादा क्या है, हैप्पी है, खुश है,
बहुत ज़्यादा खुश है। तो सेकंड क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसका टाइप है? हैप्पीनेस टाइप है बेटा फीलिंग, हमारी फीलिंग का पार्ट हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट में अब क्या हैप्पीनेस, उसकी खुशी को हम छू के देख सकते हैं? नहीं, कभी भी हम उसकी खुशी को छू के नहीं देख सकते। क्वालिटी में आ जाएगा बेटा होनेस्टी, कितना सच्चा है। विशडम, कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, अच्छे से डिस्कशन। काइंडनेस, उसके अंदर दयालुता कितनी है, अगर किसी को परेशान देखे तो क्या वो खुद भी परेशान हो जाता है, क्या उसकी मदद करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट ब्राइटनेस, चमक। नेक्स्ट ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब साहस। अब जो फौजी हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेवरी रहती है, हम घर पे बैठे रहते हैं लेकिन वो हमेशा जो आतंकवादी है उनका सामना कर सकते हैं। तो क्या हम उनकी फौजी की ब्रेवरी को बाहर निकाल के उनको टच कर सकते हैं? नहीं, उसकी ब्रेवरी, उसके साहस को हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा स्टेट। स्टेट में आ सकता है जैसे कि शारीरिक, मानसिक कोई भी अवस्था, जैसे कि स्लेवरी, किसी की गुलामी, डेथ, मृत्यु, युद्ध, किशोरावस्था यानी कि जो 14 से 18 तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट पुअर्टी, गरीबी, इसमें आ सकता है स्टेट में चाइल्डहुड, बचपना यानी कि हमारी शुरू से लेके जब हम पैदा हुए तब तक जो भी मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें हमारी स्टेट में आ जाएंगी, हमारी अवस्था में आ जाएगी। नेक्स्ट एक्शन में आ जाएगा एंगर, गुस्सा होना, जैसे कि ये क्या है एंगर। एंगर हमारा क्या है? एक एक्शन है, एक प्रतिक्रिया है जो हम किसी भी चीज़ पर देते हैं। अगर हम गुस्सा होंगे तो हम उसको डांटेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, कोई भी वर्ड। तो ये क्या है? एंगर, एक्शन। इसी के साथ साथ जो लाफ्टर है, हंसी है। नेक्स्ट लाइफ है, हमारा जीवन है, एक्शन है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती रहती है। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ को छू के देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं? नहीं। अब इसी के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या क्या एग्जांपल हैं? जैसे कि साइकिलिंग एक्शन वर्ब है, साइकिलिंग। लाफ है, लाफिंग। नेक्स्ट सैडनेस है, सैड। प्लेइंग एक्शन वर्ब है, प्लेइंग बन जाएगा। सी फर्स्ट इज क्या कर रहा है, ये साइकिल चला रहा है, एक्शन वर्ब है, कोई काम कर रहा है तो साइकिलिंग। लाफ हंस रहा है तो फीलिंग्स हैं तो लाफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, बड़ा बुजुर्ग आदमी है लेकिन सैड है, दुखी है, तो सैडनेस क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा या फीलिंग्स हो जाएगी। एक्शन वर्ब तो सॉरी नहीं होगा लेकिन फीलिंग्स हो जाएगी। नेक्स्ट कर रहे हैं प्लेइंग। प्लेइंग क्या है? प्लेइंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है, कोई काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। इसी के साथ साथ और एग्जांपल ले तो ये क्या है, युद्ध है। यस, यानी कि स्टेट का एग्जांपल ले तो ये कौन सी स्थिति है, युद्ध स्थिति है, नौजवान है, किशोरावस्था है, और ये क्या है, अडल्ट मतलब बुढ़ापा है, ठीक है, ओल्ड एज है, तो ये कौन सी है यानी कि बुढ़ापा, तो ये भी स्थिति भी इसमें एक्शन वर्ब में आ जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ फ्लैश कार्ड के थ्रू कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट कलेक्टिव नाउन किया था हमने, सेकंड हमने मैटेरियल नाउन किया था, और थर्ड हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस किया है। होप आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, सबसे पहले हमने बताया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू आ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। जो हमारा कॉमन नाउन का ग्रुप होता है, कॉमन नाउन होती है, उसके एक ग्रुप को बनाकर क्या बनता है, हमारी कलेक्टिव नाउन बनती है। जैसे कि बॉयज़ के ग्रुप में या क्लास में, या स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ग्रुप को मिलाकर क्या बनता है, क्लास बनती है। ऐसे ही बहुत सारे लड़के हों तो बॉयज़ के ग्रुप, उनको
उनको भी क्लास बोल सकते हैं। ऐसे ही भीड़ लगी हो, इंसानों का झुंड हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको क्या बोल देंगे, क्राउड। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का जो झुंड है उसको हमने क्या बोला, हर्ड बोला। नेक्स्ट सेकेंड लिया अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज के झुंड को हमने क्या बोला, फ्लॉक बोला। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अगर हमने स्टूडेंट का ग्रुप है जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के ग्रुप को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में चेंज हो जाएगा, तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो वो क्या आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बेटा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होता है जो मतलब हम अर्थ से जो प्राप्त होता है या उस चीज़ का यूज़ हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि शुगर केन, शुगर केन हमें प्राप्त हुआ अर्थ से, धरती से। अगर सोइल ही फर्टाइल भी उर्वरक ही नहीं होती, मिट्टी ही नहीं होती, तो हमें शुगर केन नहीं मिल रहा। तो इससे हमने क्या बनाया, शुगर बनाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम शुगर केन से बना सकते हैं। ऐसे ही मिल्क, मिल्क से हमने क्या बना दिया, पनीर बना दिया। ऐसे ही कॉटन, कॉटन से हमने कपड़े बना दिए, मैट बना दिया, हैंडकरचीफ बना दिया। ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन हो जाएंगी। लास्ट हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो था जिनको हम फीलिंग्स और थिंग्स तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उन चीज़ों को क्या, छू के नहीं देख सकते, उनको टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच। जैसे कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है साइकिलिंग, अगर स्टेट की बात करें तो ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, यूथ स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट लाफ, हंस के दिखा रहा है, जीभ निकाल के दिखा रहा है, तो वो लाफिंग है। नेक्स्ट फीलिंग्स है वो। नेक्स्ट सैड, अगर बूढ़ा इंसान है, वो दुखी है, तो वो सैड है, तो सैड क्या आ जाएगा, इसमें फीलिंग आ जाएगी। अगर स्टेट की बात करें तो ये अडल्ट स्टेट है, इसमें कौन सी स्टेट आ जाएगी, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज, जो बुढ़ापा होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर स्टेट की बात करें तो ये यूथ है, नौजवान है, और अगर काम की बात करें ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आया। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आवर चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।